नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर सिविल ब्रांच के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड CE 3003 में बहुत अच्छी तैयारी करके A+ ग्रेड लेके आनी है। यूनिट 2 चल रहा है, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, उस पर मेरा ये तीसरा वीडियो है। पहले वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए डिटेल्स में समझाया था इस चैप्टर के बारे में, कहाँ कहाँ कैसा कैसा मैटर मिलेगा मेरी पीडीएफ के द्वारा, बुक की जो पीडीएफ है, मेरे जो बुक के सॉल्यूशंस के पीडीएफ है। सेकंड जो वीडियो था इसके पहले वाला, उसमें मैंने आपको एक प्रॉब्लम दी थी एग्जाम की 2016 की, बच्चों की डिमांड पर। हालांकि वो मेरे हिसाब से सिलेबस में नहीं है, लेकिन इस चैप्टर को समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े अच्छा सवाल था वो। आपको ये चैप्टर जब समझ आएगा ना, फिर सवाल कोई भी कर पाएंगे। तो मैंने उस वीडियो में जो पिछला था उसमें मैंने आपको सपोर्ट रिएक्शन निकालना सिखाया था, आधार प्रतिक्रियाएं। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे अपरूपण बल के लिए गणनाएं करते हैं, कि किस प्रकार से शेयर फोर्स के लिए गणना की जाती है, कैलकुलेशन की जाती है। तो थोड़ा बहुत पहले हम एक बार जान लें शेयर फोर्स के बारे में कि शेयर फोर्स होता क्या है, फिर हम गणनाएं करेंगे कि शेयर फोर्स कैसे ज्ञात किया जाता है। गणना यहाँ कर लेते हैं, नहीं शेयर फोर्स समझ लेते हैं शेयर फोर्स कि शेयर फोर्स क्या होता है। शेयर फोर्स देखिए, शेयर फोर्स कहते हैं हिंदी में अपरूपण बल, देखिए इसकी परिभाषा लिख रहा हूं, पहले लिखता हूं इंग्लिश में। इट इज, मैं बात कर रहा हूं शेयर फोर्स की परिभाषा, डेफिनेशन। इट इज एल्जेब्रिक सम ऑफ all vertical forces either to the left or to the right of that section। आप लोग नोट कर रहे हैं इसको, बड़ी भाषा को, ये शेयर फोर्स की डेफिनेशन है। इट इज मींस शेयर फोर्स, इट इज एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस आइदर टू द लेफ्ट और टू द राइट ऑफ दैट सेक्शन। हम किसको डिफाइन कर रहे हैं, शेयर फोर्स एट ए सेक्शन, शेयर फोर्स एट ए सेक्शन। बीम के किसी सेक्शन पर शेयर फोर्स क्या होता है वो है, इसको ऐसे पढ़ा जाना चाहिए और डिटेल में, शेयर फोर्स एट ए सेक्शन इज एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस आइदर टू द लेफ्ट और टू द राइट ऑफ दैट सेक्शन। हिंदी में अगर बोलूं उसको, मैं ऐसे बोलूंगा, ऐसे लिखूंगा, बल्कि इसमें भी हम लिख सकते हैं धरण यानी कि बीम, धरन के यहां भी कहा जा सकता था शेयर फोर्स एट ए सेक्शन ऑफ ए बीम, शेयर फोर्स एट ए सेक्शन ऑफ ए बीम, ऐसे कह सकते हैं। या लिखूंगा धरन के किसी खंड पर अपरूपण बल उस बल के उस खंड के बाई अथवा दाई, ध्यान रखना दोनों और मत लिख देना, या तो बाई या फिर दाई, बाई अथवा दाई। यहां भी देखिए मैंने लिखा था ना, सम ऑल द वर्टिकल फोर्सेस आइदर टू द लेफ्ट और टू द राइट, लिखा था ना, और का मतलब क्या होता है, एंड नहीं है, इट इज नॉट एंड, ए एंड ई नहीं है, ये इंग्लिश में कहेंगे ओ आर, और या हिंदी में कहेंगे अथवा या फिर या,
धरण के किसी खंड पर अपूर्ण बल उस खंड के बाई अथवा दाई ओर के सभी ऊर्ध्वाधर बलों के सभी ऊर्ध्वाधर बलों का बीजीय होता है, बलों का बीजीय योग होता है। धरण के किसी खंड पर अपरूपण बल उस खंड के बाई अथवा दाई ओर के सभी ऊर्ध्वाधर बलों का बीजीय योग होता है। शियर फोर्स एट ए सेक्शन ऑफ ए बीम इज वर्ड इज एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेज आइदर टू द लेफ्ट और टू द राइट ऑफ दैट सेक्शन। इसकी परिभाषा है। जैसे मान लीजिए ये कोई बीम है और बीम पे लोड लगती है, लोड लगेंगे तो हर सेक्शन पर अलग अलग फोर्स होगा। मान लीजिए हमने इस पर्टिकुलर सेक्शन पर, ये सेक्शन दिख रहा है कोई वाला, यहाँ पर पता किया कितना फोर्स है। अगर मैं इस सेक्शन के मान लीजिए राइट में देखता हूँ, ये सेक्शन में यहाँ नीचे अलग से दिखा देता हूँ समझाने के लिए, यहाँ इस सेक्शन के अगर राइट में देखता हूँ, मान लीजिए फोर्स आया 10 किलोन्यूटन ऊपर की तरफ, तो इस सेक्शन के लेफ्ट में उतना ही फोर्स नीचे की ओर आएगा। ये ध्यान रखना, यानी मैं ये नहीं कहता इधर से आएगा, कुछ भी आ सकता है, लेकिन जितना राइट से आएगा उतने लेफ्ट से आएगा और होगा बराबर। और ये देखिए ये जो फोर्स है राइट में ऊपर और लेफ्ट में नीचे, ये दोनों फोर्स इस बीम को इस सेक्शन पर काटने की कोशिश करते हैं। जैसे कैंची कपड़े को काटती है ना, जैसे नेल कटर आपके नाखून को काटता है, वैसे ये जो फोर्स है शियर फोर्स बीम के इस सेक्शन को काटने की कोशिश करता है। कोई जरूरी नहीं कि ऊपर हो, मान लो ये सेक्शन यहाँ मैं कोई और सेक्शन लेता, मान लो कोई और सेक्शन लेता कहीं पर भी बीम का, अगर राइट में 15 किलोन्यूटन का फोर्स नीचे है तो लेफ्ट में उतना ही फोर्स ऊपर की ओर होगा। कभी ऐसा भी हो सकता है किसी सेक्शन पर राइट में इधर देखिए फोर्स तो 2 किलोन्यूटन, इधर देखिए तो 2 किलोन्यूटन, यानी यहाँ ऊपर या नीचे होगा बराबर। हो सकता है इधर भी जीरो उधर भी जीरो, जीरो भी हो सकता था, लेकिन किसी भी सेक्शन के लेफ्ट और राइट में फोर्स बराबर होते हैं, ये पक्का है। और अगर लेफ्ट में ऊपर की ओर है तो राइट में नीचे की ओर होगा डेफिनेटली। और ये जो फोर्स है उस बीम को उस सेक्शन पर काटने का प्रयास करते हैं, कट करने का। अब आप जब निकालेंगे शियर फोर्स किसी भी सेक्शन पर, तो आप उस सेक्शन के या तो देखेंगे राइट में या देखेंगे लेफ्ट में, दोनों नहीं देखना आपको। अब आपको ये सोचना पड़ेगा भाई हम राइट में देख रहे हैं, कुछ फोर्स ऊपर लग रहे हैं, कुछ फोर्स नीचे लग रहे हैं, हम किनको प्लस कहें किनको माइनस कहें, तो कुछ नोटेशन हम फिक्स कर देते हैं। अलग अलग बुक्स के अंदर नोटेशन आपको अलग अलग मिलेंगे, लेकिन जो जनरल जो अधिकतर जो मिलेगा आपको, और मेरी जो बुक है ऋषभ पब्लिकेशन की, उसमें तो बहुत जबरदस्त मैंने हर चीज समझाया हुआ है, उसमें ही मिलेंगे नोटेशन। में लिख देता हूँ यहाँ पे नोटेशंस, हम शियर फोर्स के लिए क्या प्लस और क्या माइनस कहेंगे। ये कोई सेक्शन है मान लीजिए, उसके राइट में, इस सेक्शन के राइट में कोई फोर्स अगर नीचे है अथवा लेफ्ट में ऊपर है, इसको मैं प्लस कहूंगा भाई, ये पूरा ही प्लस है। ये मतलब राइट में नीचे हो या लेफ्ट में ऊपर हो, दोनों प्लस कहे प्लस कहे जाएंगे। दूसरा इसका उल्टा, अगर राइट में जो इधर नीचे है, इधर राइट में ऊपर हो गया मान लीजिए और लेफ्ट नीचे हो गया, एक बात पक्की है राइट में ऊपर तो लेफ्ट नीचे होगा, इन दोनों को ही मैं माइनस कहूंगा। ये मेरे नोटेशन है और अधिकांश बुक में यही मिलेंगे आपको। इसका मतलब ये नहीं है कि उन बुक्स में जिनमें ये नहीं वो गलत है ना, ऐसा नहीं है। हम जिन नोटेशन को शो करते हैं ना, फिर सारा सॉल्यूशन उसके बेस पे होना चाहिए। आपने नोटेशन ले लिए ये वाले और सॉल्यूशन कर दिया किसी और बेस पर उल्टा, तो फिर वो आंसर गलत हो जाएगा।
जिस चीज को माना जाता है उसके हिसाब से सवाल। जैसे मान लीजिए मैंने नोटेशन लिया और अपना डायग्राम बनाया, अगर कोई दूसरा ऑथर जो है किताब का वो नोटेशन मेरे से उल्टे मानता है, यानी जिसको मैंने प्लस का उसको माइनस कह दिया, उसने माइनस को प्लस कह दिया, कोई बात नहीं। होगा क्या कि अगर मेरा एस एफ डी अगर प्लस का ऊपर बना है तो उसका नीचे बनेगा, यानी होगा क्या कि डायग्राम शेप वही रहेगी, केवल उसकी दिशा बदल जाएगी। हम जिसको प्लस कहते हैं वो माइनस कहता है, हम जिसको माइनस कहते हैं वो प्लस कहता है, बस वही फर्क पड़ेगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिलहाल आप इन सब जो झंझटों से मुक्त रहिए और ये नोटेशन को फॉलो कीजिएगा। ओके, एक बात। दूसरी बात, जहां पर पॉइंट लोड्स होते हैं, पॉइंट लोड्स या हम कह सकते हैं रिएक्शंस, जहां पर पॉइंट लोड या रिएक्शंस होते हैं वहां वहां पर शीयर फोर्स की कैलकुलेशन दो बार करनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने आपको, ये जहां पर पॉइंट लोड काम कर रहे हो या रिएक्शंस काम कर रही हो वहां पर आपको शीयर फोर्स की कैलकुलेशन दो बार करनी चाहिए। एक बार तो उस लोड या फोर्स को नहीं मानते हुए, पर एक बार उसको मानते हुए, पहले उस पॉइंट लोड या रिएक्शन नहीं मानते हुए यानी आपने जब कैलकुलेशन की शीयर फोर्स डायग्राम बनाने के लिए यानी शीयर फोर्स ज्ञात करने के लिए और कहीं पर कोई पॉइंट लोड आता है उस साइड में, तो पहले तो आप ये माने कि वो पॉइंट लोड है ही नहीं, ये मानते हुए आपको गणना करनी है, नहीं मानते हुए, फिर मानते हुए, फिर उसे मानते हुए। ये मैं केवल पॉइंट लोड की बात कर रहा हूँ या रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, यूडीएल की बात नहीं कर रहा हूँ। यूडीएल में तो हर पॉइंट पर चेंज होता रहता है, पॉइंट लोड में क्या होता है, जैसे ये पॉइंट लोड लग रहा है, ये पॉइंट लोड लग रहा है यहाँ पे। पॉइंट लोड का मतलब क्या होता है, क्या इसकी डेफिनेशन है पॉइंट लोड की? पॉइंट लोड इज दैट लोड ऑन ए बीम व्हिच इज अज्यूम्ड टू एक्ट एट ए पॉइंट। एक्चुअली थ्योरेटिकल है, इट इज नॉट प्रैक्टिकेबल। बीम पे कोई ऐसा भार हो ही नहीं सकता जो एक पॉइंट पर एक्ट करे, लेकिन कुछ लोड ऐसे होते हैं जो जैसे कॉलम का लोड आता है बीम के ऊपर, जैसे किसी जगह पर कोई एकदम से कोई बहुत भारी चीज रख दी आपने उस बड़े एरिया पर, तो इधर से पॉइंट लोड की तरह काम करती है, उसको अपने पॉइंट लोड मान लेते हैं। एक्चुअली पॉइंट लोड कोई होता नहीं है, लेकिन उसको एज्यूम कर लिया जाता है। तो जब हम कहेंगे इस पॉइंट पर इस लोड की बात करेंगे, हम जब उस एंड से इस एंड की ओर, उस एंड से इस एंड की ओर बढ़ेंगे गणना करते वक्त, तो पहले हम जब आगे आएंगे तो ये मानेंगे हम ये लोड आने के जस्ट पहले रुक गए, यानी जस्ट का मतलब होता है दूरी तो वही है, जैसे मान लो ये 1 मीटर है तो 1 मीटर मानी जाएगी, हम इसके जस्ट पहले रुक गए और उसके बाद हम थोड़ा सा इसको क्रॉस कर जाएंगे। अच्छा, हमने आपको एक बात बताई थी, याद कीजिएगा, इट इज यानी कि शीयर फोर्स, इट इज एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस आइदर टू द लेफ्ट और टू द राइट और ऑफ दैट सेक्शन, यानी उस सेक्शन के या तो राइट में देखेंगे या लेफ्ट में देखेंगे। अगर मैं राइट में देखता हूँ तो आप देखिए ध्यान से जरा, मैं इसके राइट में थोड़ा रुक जाऊंगा और जब मैं इसके राइट में रुकूंगा और राइट में ही देखूंगा, ये लोड मुझे एब्सेंट नजर आएगा, देयर इज नो एनी लोड, क्योंकि मैं इस पॉइंट लोड के राइट में खड़ा हूं और राइट में ही देख रहा हूं, तो लोड नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही मैं इसको क्रॉस करूंगा, ये आ गया मान लो, और अब मैं इसके राइट में देख रहा हूं, तो ये लोड कंसिडर किया जाएगा।
यानी आपने एक ही बिंदु पे दो मान निकाले, दो वैल्यू निकाली, एक बार तो ये मानते हुए लोड है नहीं और एक बार ये मानते हुए लोड है, यानी इस पॉइंट के जस्ट राइट में और एक इस पॉइंट के जस्ट लेफ्ट में। जस्ट का मतलब एक्चुअली पॉइंट वही होता है, जस्ट का मतलब ये समझो कि बाल बराबर बिल्कुल। तो उससे क्या होगा कि आप देखेंगे कि शेयर फोर्स जब डायग्राम बनाएगा ना तो दो वैल्यू आएगी उसके ऊपर उस पॉइंट पर। याद रखिएगा जहां कहीं पॉइंट लोड होता है या जहां कहीं रिएक्शन होती है वहां शेयर फोर्स दो मान देता है, एक बार उस फोर्स को नहीं मानते हुए, एक बार उस फोर्स को मानते हुए। यानी हम जब डायग्राम बनाएंगे शेयर फोर्स का तो वहां पे एक वर्टिकल लाइन आएगी, देयर विल बी ए वर्टिकल लाइन। ये हम बाद में भी आपको समझाएंगे अगले वीडियो के अंदर, अभी हम करेंगे सिर्फ कैलकुलेशंस। तो शुरू करते हैं, यहाँ क्या लिखूंगा मैं, कैलकुलेशंस, कैलकुलेशंस फॉर शेयर फोर्स। हम अलग अलग बिंदुओं पर निकालेंगे शेयर फोर्स, डी पर निकालेंगे, जितने भी ना ये मेन पॉइंट सारे ये निकालेंगे, डी पर निकालेंगे, बी पर निकालेंगे, सी पर निकालेंगे, ए पर निकालेंगे। देखिए मैं एफ डी निकालता हूं, मैं जब एफ डी लेता हूँ ना, मैं जब कहता हूँ एफ डी, एफ का मतलब शेयर फोर्स, नीचे डी पर, डी पर इसको ऐसे पढ़ूंगा शेयर फोर्स एट डी, इसका मीनिंग ये होता है। अगर मान लीजिए मैं कहता हूं एफ सी, मैं जब कोई ऐसे लिखूंगा ना आगे फ्यूचर में एफ सी तो लिखा जाएगा शेयर फोर्स एट सी, ये एफ सी हो गया। ये कुछ नोटेशन आप ध्यान रखिए मेरे। हाँ तो देखिएगा, आपको मैंने एक बात कही थी कि जहां जहां कोई पॉइंट लोड है या फिर जहां जहां कोई रिएक्शन है वहां मैं शेयर फोर्स की कैलकुलेशन दो बार करूंगा। और ये चारों पॉइंट पे देखेंगे, ये इस पॉइंट पे देखें तो इस पॉइंट पर आप देखेंगे ये पॉइंट लोड है तो मैं शेयर फोर्स की कैलकुलेशन दो बार करूंगा, एक बार इस लोड को नहीं मानते हुए, एक बार मानते हुए। फिर जब यहाँ आएंगे अपन बी पर, यहाँ पर देखो रिएक्शन नहीं है, यहाँ पर भी मैं शेयर फोर्स की कैलकुलेशन दो बार करूंगा, एक बार इस रिएक्शन को नहीं मानते हुए, एक बार मानते हुए। फिर यहाँ आऊंगा, यहाँ भी मैं दो बार करूंगा, एक बार इस 20 को नहीं मानते हुए, एक बार मानते हुए। फिर यहाँ आऊंगा, यहाँ भी दो बार करूंगा, एक बार इसको 15.5 को नहीं मानते हुए, एक बार मानते हुए। क्योंकि जब आप पॉइंट लोड की बात करते हैं ना तो उस पॉइंट के जस्ट लेफ्ट या जस्ट राइट में आती है वो, एकदम से पॉइंट लोड के कारण सडनली चेंजेज आते हैं। तो मैं शुरू कर रहा हूँ एफ डी, ध्यान दीजिएगा एफ डी। डी पर मैं पहले तो ये मान के चलूं, मैं देखिए ध्यान देना, मैं डी से ए की ओर आ रहा हूं और हर पॉइंट पे निकालूंगा शेयर फोर्स। नोटेशन ध्यान रखना, भूलने जाना नोटेशन, कोई ये नोटेशन है शेयर फोर्स के लिए। अगर मैं राइट में देख रहा हूं, अच्छा मैं हमेशा, आप एक बार ध्यान दीजिएगा, मैं हमेशा राइट में देखूंगा, आई विल ऑलवेज सी टुवर्ड्स राइट, मैं कभी लेफ्ट में देखूंगा ही नहीं मैं जहां तक। और आपको भी राय देता हूँ कि जब शेयर फोर्स के लिए करें कैलकुलेशन तो आप दोनों ओर ना देखें, कृपया एक तरफ देखें, प्रैक्टिस करने के लिए जरूरी है, बाद में तो जब अभ्यास हो जाएगा फिर तो कैसे भी देखें आंसर वही आएगा। मैं हमेशा राइट में ही देखूंगा, मैं कभी लेफ्ट में देखूंगा नहीं। हाँ सेक्शन में कभी राइट में लूंगा कभी लेफ्ट, जैसे मान लीजिए डी ये पॉइंट लोड है तो पहले तो मैं इसके राइट में खड़ा होऊंगा, इस लोड के, इस पॉइंट लोड के राइट में खड़ा होकर राइट में देखूंगा, फिर इसके लेफ्ट में खड़ा होके राइट में देखो। देखना तो राइट में ही मेरे को, मुझे लेफ्ट में देखने नहीं है, खड़ा मैं कैसे हो सकता हूँ। अब जैसे बी पाऊंगा तो पहले मैं बी के जस्ट राइट में खड़ा होऊंगा और राइट में देखूंगा, फिर मैं बी के जस्ट लेफ्ट में खड़ा होऊंगा राइट में देखूंगा, फिर सी के जस्ट राइट में खड़ा होऊंगा राइट में देखूंगा, फिर सी के जस्ट लेफ्ट में खड़ा होऊंगा राइट में देखूंगा, फिर ए के जस्ट राइट में खड़ा होऊंगा और राइट में देखूंगा, फिर ए के लेफ्ट में खड़ा होऊंगा और राइट देखूंगा। आपको खड़ा होना मतलब आप जैसे वहां सेक्शन लेंगे, सेक्शन आप लेंगे जस्ट डी के राइट में, जस्ट डी के लेफ्ट में, जस्ट बी के राइट में, जस्ट बी के लेफ्ट, इस तरह से एफ डी इज इक्वल टू। हम पहले हमेशा, मैंने आपको कहा ना उस लोड को नहीं मानेंगे,
अगर मैं इस रोड को नहीं मान रहा हूँ मतलब कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैंने सेक्शन कहाँ लिया, मैंने इस डी पॉइंट के जस्ट राइट में कोई सेक्शन लिया है। इमेजिन कीजिए मैं इस बीम के जस्ट राइट में यहाँ खड़ा हूँ, जस्ट राइट में, जस्ट राइट का मतलब बिल्कुल, एक्चुअली मैं बार बार कहता आ रहा हूँ आपको, जस्ट का मतलब वो पॉइंट ही होता है, इमेज एक, ये जस्ट एक इमेजिनेशन है। बिंदु की क्या परिभाषा होती है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉइंट, पॉइंट द पॉइंट इज दैट ज्योमेट्रिक फिगर, द पॉइंट इज, या कह सकते ए पॉइंट, ए पॉइंट इज ए ज्योमेट्रिक फिगर इन विच देर इज नो एनी लेंथ, नो एनी विड्थ एंड नो एनी थिकनेस। बिंदु की कोई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होती है, केवल उसकी पोजिशन होती है। तो मैं अगर इस बिंदु के, इस पॉइंट के जस्ट राइट में खड़ा होता हूँ और राइट में ही देखता हूं, तो कोई फोर्स है क्या? कुछ भी नहीं है, नो एनी फोर्स, क्योंकि मैं इस पॉइंट के राइट, जैसे मान लो बीम के बाहर निकल गया और फिर उधर देख रहा हूँ, कोई फोर्स है नहीं, हवाई हवाई हो रही है, तो लिखूंगा मैं एफ डी बराबर जीरो, आगे लिखूंगा ब्रैकेट में जस्ट टू द राइट ऑफ, ध्यान देना इस बात का, राइट ऑफ डी, यानी एफ डी बराबर जीरो कब है, जब हम डी के जस्ट राइट में खड़े होकर राइट को देख रहे हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, अगर मैं डी के जस्ट राइट में खड़ा हो जाऊं और लेफ्ट में भी देखूंगा तभी जीरो आएगा, क्योंकि अगर मैं इस डी के राइट में खड़ा हो जाऊं और लेफ्ट देखूं तो सारे फोर्स आ जाएंगे, जितने दो ही नीचे आएंगे, नीचे कितने आएंगे, चार, एक दो तीन चार, ऊपर दो आएंगे, लेकिन वो दोनों और ये चारों मिलकर बराबर होते हैं तो जीरो हो जाएंगे प्लस माइनस करके। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, इस चक्कर में भी ना पड़िए, आपको केवल राइट में देखना है। अगला एफ डी बराबर, मैं डी भी दो मान निकालूंगा ना, ये पॉइंट रोड है। अब क्या होगा, मैं डी के जस्ट लेफ्ट में आ गया, मैं फिर कह रहा हूँ जस्ट राइट और जस्ट लेफ्ट का मतलब वो पॉइंट ही होता है, ये केवल इमेजिन की बातें हैं। अगर मैं इस डी के जस्ट लेफ्ट में आता हूँ, जस्ट लेफ्ट में, और अब इसके राइट में देखता हूं, तो ये वन का दिख जाएगा मेरे को, क्योंकि अगर इस पॉइंट के लेफ्ट में आ जाऊंगा और राइट में देखूंगा, दिखती बात है, लोड तो आएगा ही आएगा, कितना, वन, ये आ गया 1 किलो न्यूटन। अच्छा ये कैसा भाई, मैं इसके लेफ्ट में खड़ा हूँ और राइट में देख रहा हूँ, राइट में कैसा फोर्स आ रहा है, नीचे, और राइट में नीचे कैसा होता है, देखो राइट ये ना, ये सेक्शन का राइट और नीचे प्लस, प्लस होगा, प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन ये लिख दो यहाँ पे जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ डी, यानी आप जब डी के जस्ट राइट में खड़े हैं तो फोर्स जीरो, और जब आप डी के जस्ट लेफ्ट में खड़े हैं तो फोर्स 1 किलो न्यूटन। ऐसे ब्रैकेट बना दो, नाउ बी, बी पे आ जाइए, एफ बी, एफ बी, तो पहले तो मैं बी के जस्ट राइट में खड़ा हूंगा, मैं इस बी के जस्ट राइट में खड़ा हूं, जस्ट राइट का मतलब ये होता है कि मैं इस बी पॉइंट, जैसे ये बी पॉइंट है और मैं इसके बिल्कुल पास में चिपक के खड़ा हूं और राइट में ही देख रहा हूं, मैं बार बार कहता है आपको राइट में देखना है, तो कौन से फोर्स नजर आ रहे हैं आपको, कौन से फोर्स नजर आ रहे हैं, एक तो ये वन नीचे, राइट में नीचे क्या होता है, प्लस, और एक ये यूडीएल कितना, 2 किलो न्यूटन पर मीटर, और दूरी कितनी है, 2 मीटर, तो कितना हो गया, 2 × 2 = 4, तो 1 किलो न्यूटन भी नीचे लग रहा है और 2 × 2 = 4 भी नीचे ही लग रहा है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, बी पर मैं इस बी के राइट में खड़ा हूँ, बी के जस्ट राइट में और राइट में देख रहा हूं, तो एक तो ये एक प्लस 2 × 2, ये हो गया 2 × 2 = 4 और 1 = 5, 5 किलो न्यूटन, ये प्लस में आएगा क्योंकि राइट में नीचे प्लस होता है। यहाँ क्या लिखूंगा मैं इसको, जस्ट टू, ऐसा ना, जस्ट टू द राइट ऑफ बी, बी के जस्ट राइट में, अब बी पे एक और निकालूंगा मैं, तो अब बी पे मैं एक और निकालूंगा, अब मैं बी के जस्ट लेफ्ट में आ गया, यहाँ आ गया, आई एम एट जस्ट लेफ्ट ऑफ बी, मैं आ तो गया लेफ्ट में,
लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा, देखूंगा मैं हमेशा राइट में, देखूंगा मैं राइट में, तो राइट में देखेंगे क्या होगा, वो जो लोड पहले से दो लग रहे थे वो तो वही एज इट इज, वो चेंज हुआ नहीं। हाँ, ये 27.5 का ऊपर और लग गया, और राइट में ऊपर क्या होता है, माइनस। देखिएगा ये राइट में ऊपर माइनस, तो देखिए अब क्या होगा, ये जो आपके अब तक चल रहा था ना ये पांच, वो तो है ही है, इसमें तो कोई कमी आई नहीं है। मैं जब बी के लेफ्ट में आ रहा हूँ और राइट में देखूंगा, जो पहले लग रहे थे वो तो लग ही रहे ना, ये केवल जैसे इसके लेफ्ट में आया और राइट में देखा तो 27.5 ऊपर चला गया, तो ये पांच तो था ही, माइनस 27.5 कर लेंगे, तो पांच में से घटो 27.5 तो माइनस के 22.5 किलो न्यूटन। और ये जो आपके है ये जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ बी, ये बी के जस्ट लेफ्ट में है। देखो ना, पहला वाला हमेशा जस्ट टू द राइट, फिर जस्ट टू द लेफ्ट, जस्ट टू द राइट, जस्ट टू द लेफ्ट। अब आप सी पे आ जाओ, सी पे आ जाइए, एफ सी, सी पे आप जस्ट लेफ्ट होंगे, पहले जस्ट राइट में आप जब यू आ रहे हैं ना, तो सी पे ये जो स्टेशन आ गया ना, पहले स्टेशन ये थोड़ा पहले गाड़ी रुक जाएगी, या रुक जाएगी सी के जस्ट राइट में रुक जाएगी, और देखना राइट में ही है। अब जब इसके राइट में आप रुक गए हो, जस्ट राइट में, और राइट में ही देख रहे हो, तो 20 आएगा ही नहीं। 20 कब आएगा, जब आप इसके लेफ्ट में आ जाएंगे और राइट में देखेंगे तब 20 दिखेगा आपको। इसका मतलब आप क्या देख रहे होंगे, बी से हम आगे बढ़ते हैं ना, और सी तक पहुंचते नहीं है, पहुंचने वाले होते हैं, पहुंचे नहीं है, तो कोई लोड ही नहीं है। जब कोई लोड ही नहीं है तो शेयर फोर्स कहां से होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि इन दो सेक्शन के बीच में शेयर फोर्स में कोई चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि कोई फोर्स है ही नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, एफ सी कितना होगा, वही होगा जो पहले हो रहा था, कितना, माइनस 22.5। ये होगा जस्ट टू द राइट ऑफ सी, सी के जस्ट राइट में, यानी बी के जस्ट लेफ्ट में जो शेयर फोर्स है सी के जस्ट राइट में उतना ही है, क्योंकि ये कोई लोड इस दौरान कोई लग ही नहीं रहा है, कि आप सी के राइट में खड़े हो जाएंगे और राइट में देखेंगे तो वही तो लग रहे जो पहले देखे थे आपने। अब सी पे अगला वैल्यू, और जैसे ही आप सी के जस्ट लेफ्ट में आ जाएंगे, यानी इस पॉइंट के थोड़ा लेफ्ट में आ गया मैं, और यहां आके मैं राइट में देखूंगा, तो ये 20 का लोड भी जुड़ जाएगा, क्योंकि जैसे मैं इस पॉइंट के लेफ्ट में आऊंगा और राइट में देखूंगा तो 20 नीचे दिख रहा है। इसका मतलब जो पहले दिख रहे थे वो तो रहेंगे ही रहेंगे, ये 20 का और इसमें इंट्रोडक्शन हो जाएगा, लेकिन राइट में देख रहे हैं 20 नीचे है, और राइट में नीचे क्या होता है, राइट में नीचे पॉजिटिव होता है, तो ये 20 प्लस का हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, देखो माइनस का 22.5 तो चल ही रहा था आपका पहले से, माइनस का 22.5 तो चल ही रहा था, प्लस 20 और हो गया, तो ये माइनस का 2.5 किलो न्यूटन, ये आएगा आपके जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के जस्ट लेफ्ट में। अब आप ए पे आ जाओ, एफ ए, देखिए आप जब ए पे आएंगे तो पहले जस्ट राइट, हम जैसे गाड़ी हमारी वहां चल रही ना, यहाँ स्टेशन ए पे आने के पहले गाड़ी रुक जाएगी, जस्ट पहले, जब जस्ट पहले रुकेगी यहाँ पे गाड़ी आपकी ए के जस्ट राइट में, ये ए पॉइंट के जस्ट राइट में, यहाँ पे मान लो गाड़ी आपकी रुक गई और आप राइट में देख रहे हैं, तो ये सारे फोर्स दिख रहे हैं आपको, सब दिख रहा है आपको, हम उनमें से इसको 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 लेके तो सारी गणनाएं कर चुके थे, बस ये इतना इतना यूडीएल और जोड़ना पड़ेगा। क्योंकि जब तक मैं सी के लेफ्ट में था, सॉरी जब मैं सी के राइट में था और राइट में देख रहा था, ये लोड नहीं आ रहा था। अगर मैं सी के लेफ्ट में भी आ गया था और राइट में देख रहा था, तब भी लोड नहीं आया, क्योंकि तो जस्ट है ना। अब मैं यहाँ आ जाऊंगा तो इतना लंबा ये यूडीएल आपको नजर आएगा। अब एफ ए कितना हो जाएगा, देखिए वो माइनस का 2.5 तो चल ही रहा था हमारा पहले से भाई, वो तो हम ऑलरेडी कैलकुलेशन कर चुके थे ना, 1, 2, 3, 4 की। अब ये जो लोड है यहां से लेके यहां तक का, इस पॉइंट के राइट में नीचे, राइट में नीचे में बार बार कहता रहा हूँ, राइट में नीचे प्लस होता है, तो हमको
प्लस करना पड़ेगा कितना, 3 किलो न्यूटन पर मीटर है और 6 मीटर की दूरी है, तो 3 × 6 तो प्लस 3 × 6 बराबर 3 × 6 = 18, 18 में से गए 2.5, 18 में से 2.5 गए, कितने बचेंगे 15.5 प्लस के, तो प्लस के 15.5 किलो न्यूटन। ये आएगा जस्ट टू द राइट ऑफ ए, ए के जस्ट राइट में। अब मैं ए पे और निकालूंगा, एक बार और निकालूंगा ए पे, वो होगा ए के जस्ट लेफ्ट में। अब देखिए अगर आप ए के जस्ट लेफ्ट में आ जाएं, ये देखो जस्ट लेफ्ट में आ गया, इस ए पॉइंट के जस्ट लेफ्ट में आ गया और राइट में देख रहा हूं, तो बाकी सारे फोर्स आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे। क्यों ली, आप जैसे ही ए के जस्ट लेफ्ट में आएंगे, आप ए के जैसे ही लेफ्ट में आएंगे और राइट में देखेंगे तो 15.5 नजर आएगा आपको इस बार, ये क्योंकि आप इसके लेफ्ट में आ चुके हो, राइट में देख रहे हो तो दिखेगा आपको 15.5 है और ये राइट में ऊपर है। और राइट में ऊपर क्या होता है, राइट में ऊपर माइनस होता है। तो बाकी तो हमारा सारा पहले से कैलकुलेशन हो चुकी थी 15.5 की। अब ये जैसे आप इसके लेफ्ट में आके राइट देखेंगे तो 15.5 ऊपर हो गया, माइनस 15.5। अब जानते हैं 15.5 माइनस 15.5 कितना होता है, 0, प्लस माइनस बराबर है। ये कहाँ होगा, जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ ए। आप जरा गौर कीजिएगा, 0 0 पर भाई शून्य से शुरुआत हुई थी, शून्य पे खत्म हो गई। हमेशा ध्यान रखना, हमेशा शेरफोर डायग्राम बनाएंगे तो शुरुआत 0 से होगी, खत्म 0 पर ही होगा। तो ये कैलकुलेशंस आपको अच्छे से समझ लेनी है, कोई भी सवाल करें आप शेरफोर डायग्राम बनाने के लिए किसी भी तरह के बीम के सवाल का, तो ये वही काम करना पड़ेगा जो मैंने अभी करके बताया आपको। जहां पॉइंट लोड है वहां पे कैलकुलेशन 2 बार करनी है, एक बार उसके जस्ट राइट में, एक बार जस्ट उसके लेफ्ट में, देखना हमेशा राइट में ही है। अच्छा अगर आप लेफ्ट में भी देखेंगे ना तो भी वही आएंगे ऐसे जो आ रहे हैं, हमें कोई चेंज नहीं आएगा, वही लेट आएंगे। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को यहाँ पे समाप्त करता हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य जो पूरा हो गया। मेरा उद्देश्य क्या था, जो सवाल मैं आपके लिए कर रहा था 2016 की प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो कर रहा था, उसके सोल्यूशन के अंतर्गत मैंने आपको पहले तो रिएक्शन निकालना सिखाया था। इस वीडियो में आपको शेयर फोर्स क्या होता है पहले तो ये समझने की कोशिश की है कि शेयर फोर्स होता क्या है, फिर उसके नोटेशन क्या रहेंगे, शेयर फोर्स कैसे अपन देंगे नोटेशन, राइट में प्लस में, ये आप ध्यान रखना राइट में नीचे प्लस, राइट में ऊपर माइनस। हम राइट में देख रहे हैं ना, तो राइट में ये वो सेक्शन है उसका राइट का मतलब इसके इधर नीचे है तो प्लस, ऊपर है तो माइनस। अगर आप लेफ्ट में देखना पसंद करते हैं तो मैं कोई मना नहीं करूंगा आपको, अगर लेफ्ट देखते तो उल्टा हो जाएगा, ध्यान रखना। अगर राइट में नीचे प्लस है तो लेफ्ट में ऊपर प्लस होगा, अगर राइट में ऊपर माइनस है तो लेफ्ट में नीचे होने पर माइनस होगा, इस बात का ध्यान रखना। बस ये दोनों सेम चीज है, राइट में ऊपर कहूं या लेफ्ट नीचे को दोनों माइनस है, राइट में नीचे कहूं या लेफ्ट में ऊपर को दोनों प्लस है, इस बात को नहीं भूलें। तो मुझे पूरी आशा है कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और मैंने जो बातें समझाई उसको बहुत अच्छे से और गौर से सुना होगा, क्योंकि एक बार आप इन सब चीजों को गौर से सुन लोगे, अच्छे से समझ लोगे, तो कभी कोई समस्या आपको नहीं आएगी, आप किसी भी तरह का सवाल एग्जाम में कर पाएंगे, ऐसे मेरा दृढ़ विश्वास है। आई एम क्वाइट श्योर दैट यू विल सॉल्व एनी प्रॉब्लम आफ्टर सीरियसली सीइंग माई वीडियो एंड कंपेयरिंग ऑल नोट्स इन योर हैंड इन योर ऑन हैंड राइटिंग। आप मेरे वीडियो को देखकर अपने खुद के नोट्स बनाएंगे अच्छे से और प्रैक्टिस करेंगे तो हमेशा सफलता मिलेगी आपको। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ, वीडियो मेरा यही समाप्त होता है और अगले वीडियो में आपको मैं सिखाऊंगा इसके जस्ट बाद में कि जो हमने ये सारी कैलकुलेशन की शेयर फोर्स की, इसके बेस पर हम डायग्राम कैसे बनाएंगे शेयर फोर्स के लिए, उसकी चर्चा हम करेंगे अगले वीडियो में। तब तक अपनी प्रैक्टिस करो इस वीडियो के लिए और पिछली वीडियोस के लिए, जो भी अब तक पढ़ा है उसको अच्छे से समझो, जितना अच्छा समझेंगे उतना बाद में अच्छा और समझ में आएगा।
It is all about this video. Thank you.